की है, परेशानी है, इख्तलाफात हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आपका प्यारा रूठ गया है, नाराज़ है, उसको मनाने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए अमल कर सकें। ठीक है, 100 मरतबा आपको मैं आज एक विर्द बताऊँगी। विर्द है या वहाबू, विर्द है या वहाबू, 100 मरतबा इसका विर्द करना है। तसव्वुर में या तस्वीर के ऊपर दम करना है 100 मरतबा। अब दम करने का तरीका क्या है? ठीक है, अब आपने फजर के टाइम, मगरिब के टाइम और ईशा के टाइम, हो सके तो तहज्जुद के टाइम 100 मरतबा आपने तसव्वुर में ला के तो दम करना है। 3 दिन का ये अमल है, 3 से 7 दिन तक ये अमल करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमन पढ़ा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है आपका, जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, जिसको आप यकीन माने कि वो आज दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, आपके पास जैसे होता है ना, एक जैसे पाँव के बल या माजरत के साथ कदमों के बल जो है चल के आप तक पहुंच जाएगा, दीवानावार आप तक पहुंच जाएगा, आपकी जुदाई तक बर्दाश्त नहीं करेगा और इतना आपसे प्यार करेगा कि आपकी सोच है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखेंगे, जो शरीयत जो है ये अमल करें और शरीयत के खिलाफ ये अमल ना करें। मियाँ बीवी भी मतलब कि अपने किसी मसाइल के लिए अमल कर सकते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तब भी ये अमल कर सकते हैं, कि यानी कि रिश्ता आया हो और वहाँ पर हो ना रहा हो तब भी ये अमल कर सकते हैं। माएँ बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी ये अमल कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से पैगाम आ जाएगा। ये अमल बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन इसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, हराम काम के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी को सज़ा देने के लिए, किसी को नफ़रत बढ़ाने के लिए, किसी से नफ़रत या कोई गुस्सा निकालने के लिए ये अमल ना करें, बल्कि इस अमल को अच्छे तरीके के लिए इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह पाक भी खुश हो और अमल भी चले। आप दूसरों का फ़ायदा सोचना शुरू कर दें, अल्लाह पाक खुद ब खुद आपका जो फ़ायदा, मतलब कि अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें आपके ऊपर होना शुरू हो जाएंगी और आपके हर चीज़ में नफ़ा और फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप दूसरों का नुकसान करना शुरू कर दें, यकीन माने जितने आप ज़लील व ख़्वार होगे, और ये वक्ती फर्स्ट मतलब कि नहीं होगा, शुरू में साथ ही नहीं होगा, आहिस्ता 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 जो है ये चीज़ें असर रखती हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखें, अल्लाह पाक को नाराज़ करना बहुत बदबख्ती की अलामत है, तो अल्लाह पाक को नाराज़ ना करें, जायज़ काम के लिए अमल करें, इंशाल्लाह आपका हम भी भरपूर साथ देंगे। कोई मसला कोई परेशानी है ज़रूर हाजिर हैं, हर अमल इजाज़त के बगैर कभी भी ना करें, जब तक हम इजाज़त ना दें अमल नहीं आप कर सकते। जब आपको इजाज़त मिल जाए फिर अमल करें, वरना जो है फिर ये होता है ना कि जैसे एक उस्ताद और शगीर्द का होता है, जब तक उस्ताद अपने शगीर्द को इजाज़त ना दे अमल नहीं करना चाहिए। तो फिर आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, इसी के साथ इजाज़त है अपना। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू जिन्नात असेब किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़र्ज़ निभाएं। अगर आप को हदीस सुनते हैं और इसको आगे भेज देते हैं, इससे हो सकता है कि आपकी पूरी नस्लें सवर जाएं, आपकी आल औलाद और आने वाली नस्लें इस हदीस का फ़ायदा उठा सकती हैं। लोगों तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो पहुंचाएं ताकि उनको अहदीस सुनने का मौका मिले। जो मैं परेशानी आपकी हल करने के वज़ाइफ बताती हूँ, अमल बताती हूँ, वो भी लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों की मदद होगी। और एक इंसान की जान बचाना या परेशान हाल एक इंसान की परेशानी को ख़त्म करना ऐसे है कि जैसे पूरी दुनिया की खलकत की परेशानी को ख़त्म करने के बराबर। जज़ाकअल्लाह खैरा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू जिन्नात असेब किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस
बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़र्ज़ निभाएं।